नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगी बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर है हमारा 0222300 1634, या फिर आप हमें 0222300 1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर यानी एक्स पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही आज हमारे साथ खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत है आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा फिसल कर 64,950 के पास बंद हुआ। निफ्टी 55 अंक गिरकर 19,310 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 40 अंक फिसल कर 43,851 के स्तर पर बंद हुआ। FMCG को छोड़ सारे सेक्टोरल इंडेक्स आज लाल निशान में ही बंद हुए। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी इससे समझते हैं बाजार में लगातार दबाव क्यों बना हुआ है। हफ्ते के आखिरी दिन भी भारतीय बाजारों में दिखा दबाव। दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत और FIs की बिकवाली, बस ये दो फैक्टर काफी थे शुक्रवार को भी सुबह सुबह मूड बिगाड़ने के लिए। कमजोर शुरुआत होना तय थी, लेकिन उतनी कमजोरी हुई नहीं जितनी उम्मीद थी, और इसीलिए खुलने के बाद 19,300 के आसपास जब बाजार खुले वहां से थोड़े और कमजोर होते नजर आए। 19,250 के आसपास बाजार ने सपोर्ट लिया, एक रिकवरी की कोशिश भी की, और इस रिकवरी में 19,375 तक बाजार आया भी, लेकिन आखिरी आधे पौन घंटे में फिर से बना बिकवाली का दबाव, और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पर एक बड़े अहम लेवल 19,300 के आसपास ही जाकर उसे बचाते हुए भारतीय बाजार बंद हुए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सुबह सुबह बैंक निफ्टी थोड़ी अच्छी रिकवरी की कोशिश कर रहा था, 44,000 के आसपास पहुंचा भी, लेकिन उसके आसपास पहुंचते ही बिकवाली का दबाव बनता दिखा। नीचे में 43,675-700 के आसपास सपोर्ट लिया, और क्लोजिंग होते होते 50 पॉइंट के नुकसान के साथ 43,850 के आसपास। यानी कि बैंक निफ्टी सुबह मजबूत था, लेकिन दोपहर के बाद हल्की फुल्की कमजोरी वहां पर भी, गिरे ज्यादा नहीं, लेकिन इंडेक्स बंद हुए लाल निशान में ही और सेंसेक्स भी 200 पॉइंट नीचे। अब आइए ब्रॉडर मार्केट, जहां पर मूड माहौल अभी भी चुस्त दुरुस्त है, और फर्स्ट हाफ में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में दमदार खरीदारी होती दिख रही है। इंडेक्स भी मजबूत है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या भी ज्यादा, लेकिन दिग्गजों को दम तोड़ते हुए देख ये इंडेक्स भी थोड़े कमजोर होते दिखे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी आई है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी था। हालांकि आज बाजार का सेंटीमेंट ठीक करने वाले दो स्टॉक्स, एक अदानी ग्रुप के सारे शेयर और दूसरा रिलायंस, दोनों में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। खरीदारी आई भी, और सोमवार को जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग की खबर के बाद भी हल्की फुल्की रिकवरी जरूर आई, लेकिन FIs की बिकवाली का दबाव और ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट नहीं मिलना भारतीय बाजारों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। यानी कि एक और लोकल फैक्टर से जो बाजार को गिरने से रोक रहे हैं या फिर गिरने की स्पीड को कम कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स और FIs की सेलिंग दोनों ही ऊपरी स्तरों पर भारी पड़ती दिख रही है। आज भी पूरे हफ्ते की तरह ऐसा ही हुआ है। और आज के एक्सपर्ट ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन के पास जाते हैं। संदीप जी, अब आगे आने वाले दिनों के लिए, नए हफ्ते के लिए बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं, क्योंकि बाजार तो शुक्रवार को दबाव के साथ ही बंद हुआ। बिल्कुल, देखिए अभी जैसे अनिल जी ने कहा कि FIIs की सेलिंग और ग्लोबल क्यूज, ये दो मेन मार्केट्स की, मतलब एक तरीके से कल्प्रिट्स बोल सकते हैं कि टूटने के पीछे रीजन है, बट वीकनिंग रूपी है, फिर आपके क्रूड ऑयल भी स्ट्रेंथन हो रहा है, ये सारी चीजें भी है, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है IT और PSU स्टॉक्स में, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जैसे कि कल दोपहर के शो में मैंने बोला भी था, जब अलग ही टाइप के स्टॉक्स जो चले हुए नहीं होते और अंडर परफॉर्मर जब चलने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक साइन होता है कि एक मतलब अब कॉशियस रहना चाहिए। तो मैंने शुरुआत में भी जब हम मंडे को मॉर्निंग शो करते तभी मैंने यही बात बोली थी कि हमें अब कॉशियस रहना है, आगे ऐसी तेजी जो हमने देखी पिछले कुछ महीनों में वैसी नहीं दिखेगी। सो ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट्स भी खत्म हो गए, कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स भी नहीं है सामने। आज रिलायंस ने जरूर से थोड़ा सा दिन में माहौल सुधारने की कोशिश की, बट ओवरऑल US की इंटरेस्ट रेट्स, दूसरी कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट हाइक्स के जो डर है, सो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहे मार्केट्स में। मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी बढ़िया कर रहे थे, बट वहां पे भी पिटाई होने लगी जब लार्ज कैप्स टूट रहे थे, बैंक निफ्टी भी ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा था।
सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और कहीं ना कहीं सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिलेंगे एंड बहुत एग्रेसिवली बुलिश होने में कोई फायदा नहीं है अभी. सो वन हैज टू वेट फॉर सम गुड डिक्लाइंस एंड कहीं ना कहीं एक जरूर से 19,200-250 ये एक सपोर्ट लगता है और आज अपने अहम लेवल के ऊपर नीचे बंद होते होते रह गया क्योंकि एवरेजेस 300 के ऊपर का आ गया. अदरवाइज पिटाई हुई थी लास्ट कुछ 10-15 मिनट में. तो मेरे हिसाब से कॉशियस का रहने का समय है. बाजार में कॉशियस रहने का समय है संदीप जी की राय बाजार पर. आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन भी लेते हैं संदीप जी. पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो तो कौन सा स्टॉक पसंद है आपकी? पोजिशनल व्यू के लिए मैंने एक ऑटो इंसिलरी स्टॉक चुना है और जनरली मैं ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स पे काफी बुलिश रहता हूँ और वो है शारदा मोटर्स. शारदा मोटर इंडस्ट्री जो कि मैंने जेन साहब के जेम्स में अनिल जी के इवन बर्थडे पिक के तौर पर भी दिया था रिसेंटली, टारगेट्स अचीव होते हैं और इस बार 831 पे आज बंद 61 पे बंद हुआ शायद और 920-930 का टारगेट लगाए, 835 का स्टॉप लॉस. इस पर पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से. आइए अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी समझते हैं क्या है संदीप जी की. बताइए संदीप जी, लंबी अवधि में कौन सा स्टॉक है आपका पसंद? बिल्कुल, एक सैनिटरी वेयर की कंपनी है और वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज, काफी सालों से बहुत बढ़िया मजबूती दिखा रही है और वह सिरा सैनिटरी वेयर इनफैक्ट कंटिन्यूअसली अपने हाइज को तोड़ के ऊपर जा रहा है और रीजन भी है, बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है. इट इज वन ऑफ दी लीडिंग कंपनीज इन द सैनिटरी वेयर सेगमेंट और सेरा ब्रांड बहुत गजब की है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर बोल लीजिए आप, अच्छा खासा मार्केट शेयर है करीब 25% के लगभग. और मतलब सारे जो भी ये फॉसेस, बाथ एक्सेसरीज, किचन सिंक्स, मिरर, सिरामिक टाइल्स, मॉड्यूलर किचन्स ये सब बनाते हैं. सो मिड प्रीमियम लग्जरी सारे कैटेगरीज के लिए और कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेटिंग भी है. इनफैक्ट रेटिंग्स को देखते तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और AA+ विच इज़ वेरी गुड. और अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20% और जो ग्रोथ है पिछले 3 साल की करीब 25% के लगभग है. प्रॉफिट सेल्स की ग्रोथ करीब 13-14% के लगभग है. एक जीरो डेट कंपनी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स है, सिर्फ 53 करोड़ के डेट्स हैं, सो विच इज वेरी लो. और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़िया थे, 40 करोड़ का पैट था पिछले जून में, उसके सामने 57 करोड़ का पैट है और पिछला क्वार्टर बहुत बढ़िया आया था मार्च वाला. बट यस, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है 228 करोड़ पे. और ओवरऑल मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है. उसके अलावा FIIs और DIIs का डार्लिंग स्टॉक है एक तरीके से, बहुत सारे बड़े बड़े FIIs और DIIs निवेशित है इसमें. तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है. और एक और बढ़िया नाम जो मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख रहा था वो मतलब ये सब FIIs, HDFC और ये सब से भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है. स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को लेन लेवल्स पे और टारगेट्स 9750 से लेकर 9790. ओके, तो सेरा सैनिटरी वेयर में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जी की तरफ से. आइए पहले कॉलर से बात करते हैं, मुंबई से विजय शेठ हमारे साथ है. नमस्कार विजय जी, क्या सवाल है आपका? सर मुझे टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मैंने 500 शेयर लिए 101.70 रुपए में 70. ओके, कब तक के व्यू के लिए लिया आपने? 3-6 मंथ. ओके, शॉर्ट टर्म नजरिया टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर रख रहे हैं. बताइए संदीप जी, स्टॉक कैसा लग रहा है आपको 6 महीने के नजरिए के लिए? मैं टूरिज्म भी हॉट सेक्टर और फाइनेंस भी हॉट सेक्टर है और इस स्टॉक को हमने बहुत नीचे लेवल से रेकमेंड किया हुआ है, 70-80 रुपए. मैंने जो SPL मिड कैप सेगमेंट होता है उसमें मैंने कम से कम 4-5 बार जो शॉर्ट टर्म पिक देते हैं उसमें दिया हुआ है. बट अगेन इन्होंने काफी ऊपर के लेवल्स पे लिया है. मैं एक चीज जरूर से इनको बताना चाहूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को देखना बहुत जरूरी है. आप फोमो हो रहा है और आप एंट्री ले लेते हैं और बाद में झेलना पड़ता है, वैसा काम नहीं कीजिए. जो कॉन्सोलिडेटेड स्टॉक है नीचे के लेवल्स पे, हम लोग, मेरे जैसे और भी बहुत सारे जो एनालिस्ट है, पैनलिस्ट है, वो लोग रिकमेंड करते हैं, उनको सुनिए और नीचे के लेवल्स पे लीजिए. बट यस, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल बोल लीजिए, प्राइस टू बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है इनफैक्ट स्टॉक और पी मल्टीपल सस्ता है और ओवरऑल सेगमेंट बढ़िया है. तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है. ऊपर का लेवल 105 गया हुआ है, वहां से करेक्ट हुआ, हो सकता है ये 90-95 के रेंज में आए तो उस टाइम पे ये एवरेज करने की कोशिश कर सकते हैं. सो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक. मेरे हिसाब से स्टॉक को आराम से 115-120 रुपए के टारगेट के लिए थोड़ा सा नजरिया लंबा रखिए,
होल्ड किया जा सकता है। होल्ड टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर, यही राय संदीप जी दे रहे हैं। गुजरात से गुंजन जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो मैम। हेलो संदीप सर, मेरे पास गार्डन रिच शिप बिल्डर है, 500 के भाव पर है, 100 शेयर। और पूना वाला फिनटॉप है, 345 के भाव पे 250 शेयर। व्यू का दोनों स्टॉक्स पे कब तक का है आपका? गार्डन बीच पर 1-2 महीने का, और पुणे वाला पिंटॉप पे लॉन्ग टर्म। ओके, 1-2 महीने के लिए गार्डन रीच। कैसा लग रहा है आपको 500 की खरीद है इनकी? बढ़िया है, इन्होंने अच्छा पैसा बनाया है 500 की खरीद। और इनफैक्ट देखिए, ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया चला, सारे शिपिंग स्टॉक्स कल बढ़िया चल रहे थे। कोचिन शिपयार्ड हो, जीआरएससी हो, ये सारे अच्छा कर रहे थे। और मुझे लगता है कि आगे भी ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे, जिस तरीके का सरकार का ओवरऑल पुश है और पूरे मेक इन इंडिया के ऊपर, और इन कंपनियों को जो वर्ल्ड ओवर जो एक्सेप्टेंस मिले, और बाहर के भी ऑर्डर्स काफी आ रहे हैं। सो आई फील कि ये बने रहे गार्डन रीच, इनको 1-2 महीने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें तो बल्कि लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा पूना वाला फिनकॉर्प, हालांकि पूना वाला फिनकॉर्प को मैंने बहुत ज्यादा रिकमेंड, मैंने इनफैक्ट वेरी फ्रेंकली एक बार भी इस स्टॉक को रिकमेंड नहीं किया, और मुझे क्योंकि ये महंगा लगता है स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल वाइज भी और पी मल्टीपल वाइज भी, बट एनबीएफसी में बुक वैल्यू को ज्यादा देखा जाता है। बट यस, ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड है, कहीं कोई दिक्कत वैसे नहीं है, रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, तो मेरे हिसाब से होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी जीआरएससी को थोड़ा सा नजरिया इनको और लंबा कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से बढ़िया पैसा बनेगा। एंड पूना वाला फिनकॉर्प में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ही कैन होल्ड। फिनकॉर्प लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, और लॉन्ग टर्म का नजरिया गार्डन रीच पर भी रखने की आपके लिए सलाह, होल्ड करें, संदीप जी की राय आपके लिए। अनिल कुमार नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा टीवी सेड का 3750 शेयर है 111 के प्राइस से, और दूसरा शेयर है मेरा एचबीएल पावर, 700 शेयर लिए है 52 के रेट से लॉन्ग टर्म्स के लिए। ओके, दूसरा स्टॉक फिर से बता देंगे एक बार, एचबीएल पावर पे खरीद कितनी आपकी? एचबीएल पावर 52 रुपीस पर शेयर, 700 क्वांटिटी, लॉन्ग टर्म्स के लिए लिए थे 7 इयर्स पहले, और टीबी से लिए थे 52 रुपीस। ठीक है, और टीबी से पर 3750 की खरीद आपकी? नहीं, 3750 क्वांटिटी है, 111 प्राइस रेट से क्वांटिटी, सॉरी। ओके ओके, ठीक है। ओके, तो TBZ पर इसकी शुरुआत करते, 101 की खरीद है इनकी, कुछ मुनाफा है। और HBL पावर 7 साल पहले 52 रुपए पर खरीदे थे इन्होंने, बताइए संदीप जी दोनों स्टॉक्स पर आए। देखिए TBZ इनफैक्ट ज्वेलरी स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, बट TBZ इनफैक्ट इन दिनों में कुछ परफॉर्म करना शुरू किया है। बट वेरी फ्रेंकली मेरे लिए यह ऑफ रडार हो चुका था, मैंने पहले जरूर से चैनल पर रिकमेंड किया हुआ इस स्टॉक के बारे में, बट ज्वेलरी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं होने की वजह से थोड़ा सा मैंने ऑफ रडार कर दिया था, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। बट यस, नाउ इन्होंने बहुत दिनों से इसको शायद रखा हुआ है और अब वापस से भाव आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से होल्ड करें, क्योंकि बहुत दिनों का एक मूव दिया है एंड सस्ता वैल्यूएशन है, रिजल्ट्स भी अब वापस से ठीक आने लगे हैं, सो इट्स अ होल्ड। दूसरा HBL पावर के लिए इनको मैं बधाइयां दूंगा कि अच्छा खासा इन्होंने मल्टीबैगर बनाया, एंड ये सेगमेंट बड़ा हॉट है, HBL पावर सेगमेंट जो सिस्टम्स जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट वैसे हॉट है, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, बट ये वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे महंगा लगता है, दैट्स द वन थिंग। और बहुत बड़ा मूव दे चुका, तो इनको कुछ मतलब थोड़ा ध्यान रखें कि मार्केट्स में अगर करेक्शन आता है तो बहुत हाई वैल्यूएशन वाला स्टॉक हो सकता है कि एक बार करेक्ट करे, तो अभी जैसे आई थिंक 264 के लगभग हो सकता है, 225-200 के रेंज में भी स्टॉक जल्दी ही आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, क्योंकि मार्केट्स में जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो, बट ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे आए थे, सो दैट्स वन रीजन कि मैं बोलूंगा कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए। और ओवरऑल फंडामेंटल्स भी ठीक है, बस डेट इक्विटी अगर देखता हूँ तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स है, और ग्रोथ भी अच्छी है पिछले 3 साल की सारी चीजें, सो ओवरऑल इट्स अ होल्ड। बट अगर थोड़ा बहुत अगर पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहें तो उसमें भी करने में कोई हर्ज नहीं है।
जी रही आपके दोनों स्टॉक्स पर संदीप जी की राय। अगले कॉलर राजस्थान से शाहरुख जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? 50 शेयर है 1600। फिर से स्टॉक फिर से बताइए प्लीज। अडानी एंटरप्राइजेज के 50 शेयर है 1600 के भाव से, मेरा नजरिया 2 साल का। ओके, 2 साल का नजरिया अडानी एंटरप्राइजेज पर, 1600 की खरीद है इनकी 2 साल के नजरिए के लिए। संदीप जी देखिए, पहले तो बधाइयां इनको, मतलब इतना वैसे तो देखिए वॉलेटाइल स्टॉक और रिस्की स्टॉक और जिन लेवल्स पे एंट्री लिया वहां से अच्छी खासी कमाई हो रही है, बट वेरी फ्रेंकली मेरा कोई बहुत ज्यादा ओपिनियन इस स्टॉक पे पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा लगता है, बट यस अब टेक्निकली अगर बात करें तो काफी नीचे के लेवल से काफी दिनों से इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है और ग्रुप काफी एक्शन में है क्योंकि डेट्स को लेकर या इन सब चीजों को लेकर काफी ये लोग एक्शन भी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको मैं आउटराइटली बोल दूं कि नहीं बहुत वो है, तो मेरे हिसाब से देखिए इनकी खुद की समझ से इन्होंने उस लेवल पे लिया है, मेरे हिसाब से होल्ड करके रख सकते हैं। बट ओवरऑल मैं फ्रेश ना तो खरीदारी की राय देता हूँ, ना बिकवाली की राय देता हूँ, ना मेरी तरफ से कोई होल्ड की बहुत ज्यादा राय रहती है, बट इनके चूंकि प्रॉफिट्स में सौदा और टेक्निकली मुझे ठीक लग रहा है। फंडामेंटली तो देखिए महंगा है बट एक्शन काफी ले रही है ग्रुप, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ इंप्रूवमेंट और दिख जाए, सो ही कैन कंटिन्यू होल्डिंग द स्टॉक। अदानी एंटरप्राइजेस होल्ड रखने की सलाह आपके लिए संदीप जी दे रहे हैं। सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजार खुलने के लिए संकेत लेंगे विदेशी बाजारों से, अमेरिका से, और डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे 3 दिनों की लगातार गिरावट के बाद। देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है। सपोर्ट जो इमीडिएटली निफ्टी पर रहेगा सोमवार के लिए वो 19,250 का है और अगर उसे तोड़ा तो 19,000 तक का रास्ता नीचे की तरफ खुल जाता है, वो थोड़ी सी रिस्की होगी। ऊपर की तरफ 19,400-19,475 ये है वो रेंज जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी सोमवार के सेशन में अगर मजबूती बनती है तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, नीचे की तरफ अब 43,500-43,600 इमीडिएटली आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और 44,000-44,200 ये ऊपर की तरफ आपके लिए होगी रुकावट की रेंज। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा बेहतर एक्शन रहेगा, थोड़ी मजबूती रहेगी, लेकिन बाकी जगह थोड़ा सा मामला दबाव का है और ऐसे में ग्लोबल संकेतों के बाद रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स की जो लिस्टिंग है वो बाजार का सेंटिमेंट सुधारने या बिगाड़ने का काम करेगी सोमवार को। अगला हफ्ता बेहद इंटरेस्टिंग और अहम है, सोमवार को आपसे होगी मुलाकात। और आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी जी स्वागत करते हैं, बताइए सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नमस्कार स्वाति जी, हमने देखे है कि मार्केट जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है, अपनी एक्सपोनेंशियल की यू नो मूविंग एवरेज के तरफ उसने सपोर्ट भी दिया है, तो एक अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिलेगा। पहला स्टॉक मेरे रडार पे है सीमेंट स्पेस में से, पूरे ही सीमेंट स्पेस में हमने काफी एक अच्छा यू नो एक्शन देखा है। एक शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद अब लॉन्ग यहाँ ऐड होने शुरू हो रहे हैं, एक अच्छा निगेशन देखने को मिला है डेली फ्रेम में, तो यहाँ पे ये अप्रूव जो है काफी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बैठ रहा है, तो अंबुजा सीमेंट के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी 460 के एक कॉल ऑप्शन में, इसको कम से कम 8 के आसपास खरीदे 4 के स्टॉप लॉस के साथ और 15 के एक टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक मेरे रडार पे है वो है ऑटो स्पेस पे, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक्शन दे मिल रहा है, लगातार स्टॉक में हायर हाइज बनते जा रहे हैं और एक लंबे ही कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक मूव होना शुरू हुआ है, तो अच्छा यहाँ पे अब मूव एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे 2860 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, इसको 45 के आसपास खरीदे 25 के एक स्टॉप लॉस के साथ 85 के टारगेट के लिए। जी धन्यवाद करेंगे शिवांगी आपका सोमवार के ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए। और सोमवार के बाजार में संदीप जी कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं? देखिए मैं जैसा कि शुरुआत में भी कॉशियस साउंड कर रहा था तो मैं कॉन्ट्रारियन कॉल ले रहा हूं, बाय कॉल्स तो देते रहते हैं, आज एक मैं सेल कॉल के साथ आया हूँ, दैट इज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, और वहां पे भी देखिए महंगे वैल्यूएशंस है और 200 डेमा के नीचे आज पहली बार बंद हुआ है, हालांकि मंडे को अगर नीचे बंद होता तो और कमजोरी गहरा सकती है, बट ओवरऑल 2477 पे बंद हुआ है, 2410 का टारगेट लगाएं
और 2510 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे पीडीलाइट सेलकॉल। ओके, सेलकॉल पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में सोमवार के लिए आ रही है संदीप जी की तरफ से। इसी के साथ धन्यवाद करना चाहेंगे संदीप जी आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।